तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाने में जरूर हाथ ज्यादा करा है, लेकिन मेरे दिल में जगह तुमने बनाई है सैनी। वो आप नहीं जानते किस घर में क्या हो रहा है। क्या मतलब समझा नहीं मैं। अबू माहीन ने डॉली पे हाथ उठाया बिना किसी रीजन के। अगर रिश्तेदारों में से जानने वालों में से किसी ने भी उनको बता दिया कि तुम्हारी तलाक हुई भी है तो फिर इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। बस जारा को बोल दे कि वो अपना मुंह बंद रखे। अकेली क्या कर रही हो यहाँ? अबू आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या आपको? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो आप मुझे बुला लेते ना। मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकता। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन खाने से क्या नाराज की? खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं थी। भूख तो किसी को भी नहीं, तुम्हारी माँ ने भी नहीं खाया, मुझसे भी नहीं खाया गया, अलग से नहीं था। वो हाँ, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान तुम और दिलासा मुझे दे रही है। बेटियों की यही तो खूबी होती है, माँ बाप को तकलीफ में देख ही नहीं सकते। लेकिन बेटा कुछ औलाद जो है ना, वो माँ बाप की आजमाइश होती है। मैंने कुछ सोचा था इसलिए तुमसे बात करने आया। जी। लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले मैं तुम्हारी राय जानना चाहूं। अली की बात तुमने सुनी कि वो क्या चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ में तुम्हारा फर्ज भी अदा कर। आसफा बाबी ने अपनी फरमाइश रखी थी कि जब भी डॉली की शादी हो तो साथ में साथ की शादी भी हो जाए, ताकि उनकी देखभाल के लिए घर में कोई मौजूद तो होगा। अगर तुम समझती हो कि ये सब कुछ सही है तो मैं तुम्हारे फर्ज से भी बड़ी जुम्मा हो जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन बेटा वो घर भी इस घर जैसा ही है। मुझे नहीं लगता कि वहां तुम्हारी पढ़ाई से कोई मसला हो। क्या कहती हो? अबू जो आपकी और अम्मी की मर्जी हो। तुम्हारी मर्जी, मैंने अपनी बेटियों की जिंदगी का फैसला उनकी मर्जी से किया। तुम्हें भी पूरा इख्तियार है कि अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से करो। हाँ, वो मुझे कोई एतराज नहीं है। शुआ। जीती रहो। बड़ा ही अच्छा लगा आप लोग आए। अगर पहले से पता होता तो मैं साथ को भी रोक लेती। हमारे आने का मकसद ये है भाभी के आपसे एक बहुत जरूरी बात है। जी जी भाई साहब कहिए। बस भाभी गुजारिश लेकर आया था मैं आपके पास। अली और डॉली साद और जारा की सादगी के साथ शादी करने की गुजारिश कर दें। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो अदील के इंतकाल को भी कुछ दिन हुए। मेरा मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल सही है भाभी। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में और इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता, और मुझे लगा कि अब इन शादियों का यही सही वक्त। लेकिन भाई साहब इस तरह अचानक से कुछ मुनासिब नहीं लगता। क्या बात है, क्या हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं आपसे कोई गलती नहीं हुई आसमा। दरअसल गलती तो हमारी बेटी से हुई है।
क्या क्या मतलब? डॉली बेटा, माहीन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सब शर्मिंदा हूँ उसके। क्या क्या किया माहीन ने? क्या हुआ भाई साहब? बात यह है कि माहीन ने डॉली पर हाथ उठाने की कोशिश की। लेकिन डॉली ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अम्मी वो मैंने सोचा कि अगर मैं इस बात का जिक्र करूंगी तो खामखा एक तूफान खड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं खामोश ही रही। बेटी, तूफान के डर से तुमने शिकायत नहीं की हमसे? कहीं हमारा सर शर्म से झुकना है? ऐसी बेटियां तो माँ बाप के लिए फखर का बाहिस होती हैं, और एक मैं बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी की वजह से आप लोगों के सामने शर्मिंदा बैठा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे बड़े हैं, मेरे अब्बू की जगह हैं। प्लीज ये सब मत कहें। मैं जानता हूं बेटा कि तुम मुझे अपने बाप की जगह देती हो, समझती हो मुझे अपने बाप की जगह, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे साथ जो रवैया हो रहा है महीन की तरफ से वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना मैं इस रवैये को आगे बढ़ने की इजाजत दूंगा। इसीलिए माहीन को यहां अपने साथ लेकर आया। माहीन, तुम्हें डॉली से माफी मांगनी है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है माहीन आप ही से, ये तो मेरी बड़ी है, कोई बात नहीं। जी भाई साहब, डॉली बिल्कुल सही कह रही है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अरे माफियां तो गैरों से मांगी जाती हैं, अपनों से थोड़ी। बच्चे हैं, आज लड़े कल को आपस में सुलह भी हो जाएगी। नहीं भाभी, माहीन डॉली से माफी मांगेगी, माफी मांगो। माहीन, सुना नहीं क्या कह रहे हैं? माफी मांगो डॉली से। I'm sorry. It's okay. मेरा आज फिर उस लड़के से मिलने गया। मेरा ने बताया आपको? मुझे क्यों बताएगी? मेरी तो दोस्ती नहीं है, दोस्ती तो तुम्हारी है। I'm sure तुम्हें बताया होगा उसने। फिर से सबको सुनाई चुकी हूँ, आके के बिना मैं रह नहीं सकती और उसे छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा प्लीज एक भाभी प्लीज, अगर आप मेरे कुछ कर नहीं सकती ना तो मेरे मामला में दखल देने की जरूरत ही नहीं है। मेरा तो वो खुद क्यों नहीं मिल लेती? बहन का मसला है, खुद सॉल्व करें। इन्वॉल्व कर रही है जो हुआ सो हुआ आसपा, पर हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि हमारे घर में डॉली को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जानती हूं भाभी, आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, इस बात को छोड़िए। बस मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि मेरी बात भी रख ले आओ।
मैं समझ रही हूँ भाई साहब, लेकिन इतनी जल्दी ये सारे इंतजाम कैसे करूंगी मैं? अरे सब हो जाए, बस आप हाँ कर दे। लेकिन जहरा, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? हमारे दिमाग में भी सबसे पहले यही बात आई थी, फिर बस देखें अल्लाह की तरफ से होता है जो भी होता है। अहमद भाई इस जुमे को अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, बस यही सुन के हमें भी हिम्मत हुई, सोचा अगर वो बच्चों की खुशी की खातिर अपने नाम छुपा सकते हैं तो हमें भी बच्चों की खुशी को आगे रखना चाहिए। रही जारा की बात तो आप तो जानती हैं, उसे हमें यकीन है उसे हमारी बात समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं होगा उससे। भाभी जी सरवत बिल्कुल सही कह, आप घर में बात करके तो देखें, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी को कोई एतराज नहीं होगा। दोनों बच्चों के साथ शादी हो जाएगी तो हमारा फर्ज भी अदा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मैं साथ से बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं है। अरे बेटा दो ना। जी पर जैनी तुमने देखा मुझे किस तरह जलील किया? हाँ तो आपकी हरकत भी तो ऐसी थी। तुम कहना क्या चाहती हो जैनी? यानी कि जो मेरी बेइज्जती हुई वो बिल्कुल सही थी और मैं गलत हूँ, बेइज्जती के काबिल हूँ मैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस इतना ही कह रही हूँ। मुझे सब समझ आ रहा है जैनी, जब से तुम्हारी शादी की बात चली है तुम्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं। जिस तरह मेरी बेइज्जती हुई है ना सबके सामने, तुम्हारी बेइज्जती होगी तो मैं पूछूंगी कि कैसा महसूस होता है। अगर डॉली का ऐसा कोई इरादा होता ना तो अब तक खामोश ना रहती। तुम बहुत भोली हो जैनी, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। उसने ये सब कुछ मुझे सबके सामने झुकाने के लिए किया है, ताकि मेरा सर उसके आगे हमेशा झुका रहे। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि वो यहाँ आकर कैसे खुश रहती है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हैं? आपको अंदाजा भी है आपकी इस हरकत की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो सकता है। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे जैनी? हाँ तो आप भी बस कर देना। आप तुम किस कदर सेल्फिश हो, तुम्हारी शादी की बात क्या चल गई, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। तुम्हें ये भी परवाह नहीं कि वहाँ जारा नहीं आ सकती। क्यों, उसे क्या इशू होगा? अम्मी ने मुझे बताया है माही आपी का रिश्ता आया है और जुम्मे को निकाह है। जब वहाँ निकाह हो सकता है तो फिर यहाँ निकाह और रुखसती क्यों नहीं हो सकती? दिमाग खराब है तुम्हारा, उससे कौन करेगा शादी? ऐसा आपको लगता है क्योंकि आप दोनों तो बचपन से ही एक दूसरों की खुशियों से जेलिस होते हैं, और अब आप डॉली की खुशियों से भी जेलिस हो रही हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको तो आदत हो गई है ना एक दूसरे से, हर किसी से, बल्कि दुश्मनी निकालने की। कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो जैनी? यही सोचे हैं। मैं उनसे हसद नहीं करती, मैं उनसे हर लिहाज में बेहतर हूँ, उल्टा वो हसद करती है मुझसे। और ये दोनों एक ही जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि माही सामने से वार करती है और डॉली वो पीठ पीछे, लेकिन फितरत दोनों की एक ही है जैनी। हाँ तो फिर छोड़ देना उन दोनों को उनके हाल पर, खुद भी सुकून में रहे और हमें भी रहने दे, इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं है। अच्छा सुनो, लड़का कौन है? वो जो आपके और जारा के सीनियर प्रोफेसर थे सर आलम, जो घर भी आया करते थे आपको अकाउंट्स पढ़ाने, उन्हीं का भांजा है। और हाँ सर आलम की बेटी आपकी फ्रेंड भी तो थी ना? ये क्या हो रहा है, एक से बढ़ के एक बुरी खबर मिल रही है मुझे। Thank you.
देखो कितना प्यारा है, ड्रेस देखो। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। आप मैं फोन सुन के आ, ठीक है? हाँ ठीक है। हेलो, अभी तो पहुंचे आलम साहब, हमें 3 घंटे लगेंगे। अभी मुझे ज्वेलरी भी लेनी है, इसीलिए आपसे कहा था आप साथ चले, मगर आप आए नहीं। हमारे घर की आखिरी शादी आलम साहब, और मैं किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती। साहबयार हमारा भांजा नहीं बेटा है, आप देखिएगा कितनी शान शौकत से इसकी बारात जाती है। चले ठीक है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, हम आते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ कुछ पसंद आया? आओ आओ जारा। मानी जान आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बात भी कर लेना, रुआ बैठो तो सही। ये देखो और ये भी मैंने और तुम्हारे मामू ने लिए, जावियार के लिए सलामी में देंगे, अच्छा है ना? जी। पर ये देखो ये सेट, ये मैं माही को दूंगी, तुम्हारी नानी ने लिए थे मुझे जब माही पैदा हुई थी, तो अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं मानी जान, जरूरी बात है। हाँ बोलो कहो। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और अब लग रहा है कि अगर अभी ना बताया तो देर हो जाएगी। हाय अल्लाह, मेरा तो दिन दहल गया, क्या हुआ? कहीं माही ने इनकार तो नहीं करती है शादी से? नहीं नहीं मानी जान, बात माही के बारे में नहीं है। तो फिर किसकी है? मेरा के बारे में। मेरा की? मेरा किसी को पसंद करती है, वो एक दो बार उस लड़के से मिल भी चुकी है, और वो लड़का भी एक बार घर आया था। मानी जान मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा ने मना किया था, और मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको मेरा की पसंद का पता हो। अम्मी चले, माही आप ही ने आप दोनों के लिए चाय बनाई। मानी जान, माही तुम यहाँ बैठी हो, क्या बात है? उसामा आया हुआ तुम्हें लेने? अम्मी आप लोग जो ये सब कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है। तुमसे किसी ने पूछा है? नहीं ना, तो बस क्या है? नहीं पूछा इसलिए समझा रही हूँ, ये ना हो कि कल कोई आप लोगों से भी कुछ ना पूछे, और जिस बेटे की मोहब्बत में आप लोग अंधे हुए हुए हैं ना, कल को ये ना हो वो आप लोगों से आंखें फेर ले। कैसी ढीठ हो तुम आईन, अभी भी नहीं बता तुम्हारा दिमाग। ठीक है मान लिया मैं हूँ बहुत ज्यादा ढीठ, मगर आप लोगों का क्या, आप लोग तो समझदार है ना, अकलमंदी से काम लें, समझदारी से काम लें आप लोग तो। तुम्हें कहा था ना माइन, इस घर के सारे फैसले करने का अख्तियार तुम्हारे बाप को है, वो है ना अभी, ये फैसला भी तुम्हारे अबू का है, और हमें कोई एतराज नहीं है इसमें। हाँ आपको कोई एतराज क्यों होगा अम्मी, दौलिया आपकी चहेती जो है। अच्छा बस चुप कर जाओ और जाने की तैयारी करो। जारा को पता है जो यहाँ पे ये सब मेरे साथ हो रहा है? नहीं, और कोई जरूरत भी नहीं है बताने की, जब वक्त आएगा मैं खुद बता दूंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, उसको कॉल भी मत करना, समझी? कैसी माँ है आप, आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है, डॉली के सामने मुझसे माफी मंगवाई, और अब आप मुझसे ही नाराज है अम्मी। हाँ तो जो गलती करेगा नाराज भी उसी से हुआ जाएगा ना। चलो कब से बैठा इंतजार में पूछा। शर्म किससे मिल रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, कौन है वो? अम्मी मानी जान प्लीज आप छोड़े मेरा को, एक बार उसकी बात तो सुन ले। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, ये चला दिया हमारी मोहब्बतों का। अम्मी मैं वो खबर और तौर अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकला तुम्हारी सवाल खेच लूंगी मैं, समझ रही है? अम्मी मेरी बात तो सुन ले। चुप, मैं कह रही हूँ
एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए मुझसे। अगर अब तुमने उस लड़के से की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा, आज के बाद इसको कॉलेज जाना बंद, इसका बाहर जाना बंद। अम्मी नहीं, अब जा, जा। मैं कह रही हूँ, एक लफ्ज और नहीं। उठाओ जो मेरी मसरों की सामने से। तुम्हें उसे तारा से ले जाओ, ले जाओ ना, इसे जान से मार दूंगी, ले जाओ उसे यहाँ से। चुप बिरहा। मेरहा प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ भाई, आज की मीटिंग में तो कमाल कर दिया तुमने। बॉस बहुत इंप्रेस है तुमसे। बस यार, जल्दी से अप्रूवल भी आ जाए वहां से। टेंशन मत ले, आ जाएगी अप्रूवल। एक हफ्ता तो लगता है उसमें। चलो कॉफी पीते। नहीं यार, मैं घर जाऊंगा, अम्मी वेट कर रही होंगी। अरे यार, एक दिन की तो बात है और आज तुम्हारा पहला दिन है, ऐसे समझो कि मेरी तरफ से ट्रीट है। अप्रूवल आ जाएगी तो तुम दे देना ट्रीट। चलो भैया, तुम अभी ले लो ट्रीट, एक हफ्ता तुमसे कहाँ इंतजार होगा। अच्छा चलो चलो, फिर आओ, जल्दी करो। अच्छा एक मिनट। क्या हो गया भाई, कोई जानने वाले मिल गए? नहीं, वो वैसे ही देख रहा था मैं। चलो आओ, जल्दी आओ कॉफी के लिए। आसो पूछ लो, क्यों आई है आप यहाँ पर? जाए यहाँ से। अम्मी ने मुझे सब बता दिया है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब आपको सब पता था तो आपने मुझे क्यों बोला जरा भाभी को अपना हमराज बनाने के लिए? देखिए अब क्या हुआ आपने। रोना तो बंद करो, रोने से क्या सब ठीक हो जाएगा? देखो मेरा
सच बताऊं तो एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तुम्हें क्या लगा था ज़ारा चुप रह सकती है? उसे तो बस मौका चाहिए था हमारे घर की खुशियों को आग लगाने का। क्या मतलब? ज़ारा कभी भी तुम्हारे और आकिब के रिलेशनशिप से खुश नहीं थी। भूल गई किस तरह टोका था उसने तुम्हें, बार बार टोक रही थी। और मैं तुम्हारी बहन होने के बावजूद सब जानते हुए भी खामोश रही। तुम्हें लग रहा था कि ज़ारा तुम्हारी बहन है, ज़ारा तुम्हारी बड़ी सगी बन रही थी ना, है वो बिल्कुल अपनी बहनों जैसी। तो जब आपको इससे पता था, आपने क्यों बोला मुझे कि ज़ारा को सब बताऊं? इसलिए क्योंकि मैं उसकी अच्छाई से निकाब उठाना चाहती थी, तुम लोगों के सामने, लोगों के सामने उसकी असलियत लाना चाहती थी। नफरत करती हूँ मैं उससे, नहीं चाहती मैं वो उस घर में रहे। हमारे घर की खुशियां खा गए, हमारा भाई खा गए मेरा, वो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। और तुम्हारी बेइज्जती का बदला मैं लूंगी। बोलो, बदला लेना है ज़ारा से? बस कर दो ना, कितना रोगी रो रो के अपनी मोहब्बत का मजार बनाने गए आपस। कह दो चल, कोई बात नहीं, हो जाता है। अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी वो मेस में ही। बेटा बात को समझने की कोशिश करो, मंजूर भाई बहुत उम्मीद लगा कर आए थे। मेरी अभी जॉब लगी है, मुझे सेटल होना है। तो क्या हुआ बेटा, सारी जिंदगी नौकरी ही तो करनी है, शादी हो जाएगी तो जैनी की किस्मत से अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेंगे। ये सब कुछ आप कह रही हैं, आप तो सब जानती है ना, मैं भी तैयार नहीं हूँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि अंकल ने फौरन शादी का कह दिया। साथ मेरी बात गौर से सुना बेटा। बात दरअसल ये है कि एक छोटी सी बात पर ना माहीन और टोली में अनबन हो गई। गलत फहमी थी, माहीन गुस्से में आ गई और उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की डॉली को, जिसकी वजह से बात बढ़ गई। अब मंजूर भाई, अम्मी माहिन का दिमाग खराब हो गया, मैं अभी डॉक्टर से पूछता हूँ। अरे बस करो, बैठ जाओ आराम से। अम्मी उसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है, मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ? रहना पड़ेगा साथ, खामोश रहना पड़ेगा क्योंकि हम लड़की वाले। अम्मी हम लड़की वाले हैं तो लड़के वाले भी हम हैं, अगर यही सब कुछ मैं उनकी बेटी के साथ करूँ तो। बस बस साथ, और कुछ नहीं। इसी वजह से ना मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी। बेटा अपने गुस्से पर ना काबू रखना सीखो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मंजूर भाई माहिन को साथ लेकर आए थे ताकि माफी दिलवाए, और तुम क्या चाहते हो बेटा, और क्या करें वो? बेटा लड़के वाले हम भी हैं और लड़के वाले वो भी हैं, लेकिन हम उनकी शराफत को झुठला नहीं सकते। अरे किसी वजह से माहिन गुस्से में आ गई, उसने ये हरकत कर डाली, लेकिन उसके रद्दे अमल में जो तुम कर रहे हो ना बेटा, वो भी गलत है। मंजूर भाई का मुतालबा नजायज नहीं है, और सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ बेटा कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस और कुछ नहीं सुनूंगी मैं, अब कुछ नहीं बोलूंगे, आराम से बैठो और खाना खाओ। चलो बेटा, चलो शाबाश, बैठो बैठ जाओ, खाना शुरू करो। चलो खाना।
मैंने ये क्या कर दिया दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मुझसे नाराज है, माने जान भी मुझसे खफा है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ अदील? ज़ारा। जी मुआंजन। बात करने आई हैं तुमसे। जी। ये जो बात तुमने मेरा के बारे में मुझे बात बताई है, इसका जिक्र अपने मामू से मत करना। वो बहुत सख्त मिजाज के इंसान है, उन्हें अगर इसके बारे में पता चल गया बहुत सख्ती करेंगे मेरा के साथ। माने जान, मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं बताया कि मैं मेरा की शिकायत करना चाह रही थी। मैं तो खुद उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ, और मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप एक बार उस लड़की से मिल लें। बस बस, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे घर के माहौल और इस घर के माहौल में बहुत फर्क है। तुम्हारे घर में सब लोगों को जो आजादी मिली हुई है ना, वो मैं इस घर के लोगों को नहीं दे सकती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर ही रहो। जी। और हाँ, तुमसे एक और बात भी करनी है। तुम्हारे मामू ने सरवत से माई की शादी के बारे में बात कर ली है। तुम भी चाहो तो अपनी माँ को बता सकती हो, लेकिन एक बार याद रहे कि इस घर की कोई बात उस घर में नहीं जानी चाहिए, खासतौर पे माही की तलाक के बारे में जावियार के खानदान वालों को पता नहीं चलना चाहिए। हमने छुपाई है उनसे ये बात। जी जी, ये बात वहां तक हरगिज नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में क्या फायदा है ऐसी बातों का? जो बात माजी का हिस्सा बन जाए, जो रिश्ता माजी का हिस्सा बन जाए, उसके बारे में बात करने की जरूरत ही क्या है? माने जान, नए रिश्ते की बुनियाद अब झूठ पर कैसे रख सकती हैं? अच्छा अच्छा, बस ज्यादा फलसफा पढ़ाने की कोशिश मत करो मुझे। जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे सुनो और समझो और उस पर अमल करो। समझ आ रही है ना मेरी बात? ये बात हरगिज हरगिज इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और खास तौर पे तुम्हारे मामू को तो इस बात की बिनत भी नहीं पड़नी चाहिए कि हमने ये बात सावेयर के खानदान से छुपाई है। अगर ये बात इस घर से बाहर निकल गई तो पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा। अली का फोन आ रहा है, कर लो बात। गलत फहमी थी, माइन गुस्से में आ गई और उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की डॉली को, जिसकी वजह से बात बढ़ गई। ज़ारा यार, फोन तो पिक करो मेरा। यार क्या करूं मैं, किससे करूं ये सब शेयर? मैं नहीं कर सकता अभी शादी, कैसे समझाऊं सबको? ज़ैनी से ही बात करनी होगी मुझे।
भाई, इतना सब कुछ होकर मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। क्या बताऊं जारा, माहिना पे ये वैसे सब परेशान है यहाँ पे। लेकिन भाई, अम्मी ने मुझसे कहा था कि माहिना अपने घर चली गई है उसामा भाई और अब्बू के कहने पर, और माही ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बताओ मैं क्या करूं इस सब में यार। अब्बू क्या कहते हैं इस बारे में? अब्बू ने तो शादी की बात की है वहां पर। अच्छा बात सुनो, तुम आ सकती हो? पता नहीं भाई। देखो जारा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर माही नापी ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा यार। मैं टॉली को खोना नहीं चाहता। आपने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। डॉली आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने उसके लिए स्टैंड लेकर बहुत अच्छा किया है। शुक्र है तुम इस बात को समझी, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें नाराज कर दूंगा। प्लीज ऐसा मत सोचें और शादी की तैयारियां करें। ठीक है, खुदा हाफिज। जिंदगी का हिस्सा बनाने में जरूर हाथ ज्यादा कर रहा है, लेकिन मेरे दिल में जगह तुमने बनाई है सनी। मोहम्मद खुद तक महदूद रखने के लिए नहीं होती, बल्कि दो लोगों में शेयर करने से बढ़ती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जैनी। थैंक यू सो मच। आप जाने लगे। ये बात वहां तक हरगिज नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में क्या फायदा है ऐसी बातों का? जो बात माजी का हिस्सा बन जाए, जो रिश्ता माजी का हिस्सा बन जाए, उसके बारे में बात करने की जरूरत ही क्या है? जो बात मैं तुम्हें बता रही हूं उसे सुने और समझो और उस पर अमल करो। समझ आ रही है ना मेरी बात? ये बात हरगिज हरगिज इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और खास तौर पे तुम्हारे मामू को तो इस बात की बिनत भी नहीं पड़नी चाहिए कि हमने ये बात सावेयार के खानदान से छुपाई है। अगर ये बात इस घर से बाहर निकल गई तो पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा।